Hey guys, this is Shastar, आप देख रहे हो Tech Farmers. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं Pixel Experience के एक नए अपडेट के बारे में जो हम लोग के Max M1 के लिए यहाँ पे आ चुका है. So, मैंने यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक यूज किया अपने Max M1 के ऊपर. सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में और साथ साथ इसके रिव्यू के बारे में. एक चीज यहाँ पे आप लोग बता दूं, इस अपडेट को अपने Zenfone Max M1 के ऊपर फ्लैश करने के लिए आप लोगों को क्लीन फ्लैश करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप लोग जैसे नए रॉम को फ्लैश करते हो वैसे ही यहाँ पे करना है, ज्यादा कुछ अजीब नहीं है. तो ज्यादा टाइम ऐसा करते हैं, चलो बढ़ते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ नए यूजर्स के लिए. तो यहाँ पे आप लोगों को एक Zenfone Max M1 चाहिए जिसके ऊपर बूट अनलॉक होना चाहिए. सेकंड, यहाँ पे आप लोग TWRP नहीं तो कोई भी कस्टम रिकवरी चाहिए अपने Max M1 के ऊपर. थर्ड, यहाँ पे आप लोगों को एक SD कार्ड चाहिए जिसको नॉर्मली 8 से 10 GB खाली रहना चाहिए. और फोर्थ, यहाँ पे आप लोगों को अपनी इंटरनल स्टोरेज का बैकअप ले लेना है जिससे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर आप लोगों का डेटा जो है वो अलग सेफ रहे. तो ज्यादा टाइम ऐसा करते हैं, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, यहाँ पे इंस्टॉलेशन पार्ट का होना चाहिए था लेकिन इंस्टॉलेशन हर एक रॉम का ऑलमोस्ट सेम हो चुका है. और पिक्सल एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग पिक्सल एक्सपीरियंस 10 प्लस वाली जो वीडियो है उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग आई कार्ड पे चेक कर सकते हो, टॉप राइट कॉर्नर पे आ गया रहेगा शायद से, यहाँ होगा तो फिर आप लोग उसको रेफर कर सकते हो. तो बेटर आप लोग उस वीडियो को एकदम पूरी अच्छे तरीके से देखो अगर आप एक न्यू यूजर हो कि कैसे आप लोग उसको इंस्टॉल कर पाओगे. और जितनी फाइल्स हैं पिक्सल एक्सपीरियंस के लिए वो सब आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग उनको यूज करो. और प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है. तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं तो फिर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बट एक बार आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लेना अगर आप लोगों को इंस्टॉलेशन जानना है. इसीलिए इस वीडियो के जो टाइटल के अंदर मैंने इंस्टॉलेशन पार्ट इंक्लूड नहीं किया. सो रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. सब बात कर लेते हैं इसके एक रिव्यू के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की. तो ऑडियो क्वालिटी मुझे जो है उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है इस रॉम के ऊपर. जो स्पीकर से आउटपुट है और साथ ही साथ जो हेडफोन जैक से आउटपुट है वो काफी हद तक मुझे लगा था कि लो है. जितने मैंने आज तक रॉम्स टेस्ट किए उसके अंदर शीशम OS काफी ज्यादा अच्छा ऑडियो आउटपुट दे रहा था, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस जो है वो पता नहीं क्या हो गया, इसको ऑडियो आउटपुट काफी ज्यादा लो है. तो अगर आप लोग इसको यूज करने जा रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ आप लोग अपने Max M1 के ऊपर पिक्सल एक्सपीरियंस के साथ वाइपर FX को भी यूज करना, उसके ऊपर आप लोग इंक्रीज कर सकते हो साउंड आउटपुट को. सो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक लगेगी, लेकिन डे 1 डे 2 तक अगर आप लोग इसको ज्यादा टाइम तक यूज करते हो तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे डिग्रेड होती जा रही है. और ऐसा सही में मुझे भी फील हुआ था. तो मैंने इसको ऑलमोस्ट डे 1 डे 2 तक आराम से यूज किया, सेटअप किया, इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक लग रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगा. लेकिन डे 3 डे 4 डे 5 तक, आज डे 6 है, तो मैं इसको अभी भी यूज कर रहा हूँ और इसके ऊपर काफी ज्यादा लैग्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एप्स के बीच में स्विच करते हो जेस्चर बेस्ड नेविगेशन के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि थोड़े देर के लिए ऐप वहाँ पे फ्रीज हो चुका है, आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते, वो यूजेबल रहता ही नहीं है. थोड़ा टाइम तक आप लोगों को वेट करना पड़ता है और फिर बाद में वो ऐप जो है उसके ऊपर आप लोग स्क्रॉल टाइप जो भी आप लोगों को करना है वो आप लोग कर सकते हो, जिससे वो नॉर्मली बिहेव करता है वैसे बिहेव करना काफी ज्यादा डिले के साथ होता है. सो मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगा क्योंकि मैं सेम टू सेम चीज हमेशा यूज करता हूँ हर एक रॉम के साथ, सेम टू सेम मॉड्यूल, सेम टू सेम यहाँ पे लॉन्चर, सेम टू सेम सेटिंग्स. तो यहाँ पे शीशम OS के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से काम कर गया था, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस क्या है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है. यहाँ पे परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लैग होते हैं यहाँ पे. सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे काफी वियर्ड बैटरी बैकअप मिल रहा है. कभी कभी मुझे सेम यूजेज के ऊपर, कैजुअल यूजेज के ऊपर ही मुझे 6.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल जाता है, 6 से 6.5 घंटे तक. और सेम यूजेज के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से 5.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिलता है. तो काफी ज्यादा वियर्ड रॉम लग रहा है मुझे. अगर हम लोग यहाँ पे पर डे एनालिसिस करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डे 1 का स्क्रीन शॉट. सो स्टॉक कर्नल के ऊपर मैंने इसको यूज किया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब जो है वो 2 घंटा यूज हुआ है, इंस्टाग्राम जो है वो 1.5 घंटा यूज हुआ है, व्हाट्सएप जो है वो 1 घंटा, और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 3% बैटरी बची हुई है, 6 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ठीक है. लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे डे 2 की, तो डे 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा है. टेलीग्राम एक्स यहाँ पे 2 घंटा यूज हुआ है, यूट्यूब यहाँ पे 1 घंटा, बिल्कुल कैजुअल यूजेज है जैसे आप लोगों को दिख रहा है. मैंने इसको यहाँ पे स्टॉक कर्नल तक यूज किया था डे 2 तक, और मैंने डे 3 के दिन यहाँ पे कर्नल चेंज करी थी. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3% बैटरी बची हुई है, यहाँ पे 5 hours 40 minutes का स्क्रीन टाइम मिल रहा है, सेम टू सेम बेसिक कैजुअल यूजेज आप लोगों को दिख रहा रहेगा. और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डे 4 की, तो यहाँ पे 5.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा है स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल के ऊपर. तो कॉन्क्लूजन अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ स्टॉक कर्नल जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है. इनिशियली आप लोग ने देखा पहले दिन यहाँ पे मुझे 6-6.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा था, लेकिन डे 2 पे यहाँ पे 5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम हो गया. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर की, तो यहाँ पे 5.5 घंटे तक का स्क्रीन टाइम मिल रहा है कैजुअल यूजेज के ऊपर. सो मैं कह सकता हूँ काफी ज्यादा वियर्ड है. और अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आइडल ड्रेन की, तो यहाँ पे 5 घंटे के अंदर 25% ड्रेन हो रहा है, और काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है मुझे कि आखिर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है.
सो आई गेस इसको अगर नेक्स्ट बिल्ड के अंदर फिक्स कर दिया तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा आइडल ड्रेन किसी को भी पसंद नहीं है। और मुझे पता है अगर मैक्स प्रो M1 वाले यूजर्स अगर ये वीडियो देख रहे रहेंगे, वो लोग अपने आप को काफी ज्यादा लकी मानोगे। तुम लोगों को 5 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 या फिर 5% का ड्रेन देखने के लिए मिलता है, इतना भी ज्यादा नहीं। ओके सर, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ज स्पीड्स की, तो चार्ज स्पीड्स मैं कह सकता हूँ ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने फोन को दोनों कलर्स के ऊपर आराम से चार्ज कर सकते हो 2.5 घंटे के अंदर, जो मैं कह सकता हूँ ठीक ही है। यहाँ पे सिस्टम वाइज भी सेम टू सेम टाइम लेता था, यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस भी सेम टू सेम टाइम ले रहा है। सो अगर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीटीएस प्रोफाइल और डिवाइस सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे बता दूं सबसे पहले सीटीएस प्रोफाइल जो है वो मैजिक 20.4 के ऊपर पास हो रहा है और प्ले स्टोर के अंदर डिवाइस भी सर्टिफाइड दिखा रहा है। तो अगर आप लोग बैंकिंग ऐप्स यूज करते हो तो यहाँ पे अच्छे से काम कर जाने चाहिए, ज्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए, और नहीं काम करते हैं तो फिर आप लोग मैजिक थ्रेड यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस के फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की स्पीड्स की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड्स में कह सकता हूँ ठीक है। जैसे आप लोग टैप करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर बाद में अनलॉक हो जाता है, ये इसलिए शायद से एनिमेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एनिमेशन स्पीड अप कर देते हो तो फिर आप लोगों को एकदम नॉर्मल लगेगा। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड्स की, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं कंपेयर टू CMOS। मैं कह सकता हूँ सेम ही लग रही है, यहाँ पे उतने ज़्यादा आप लोग को डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग बग्स के बारे में। इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, अब क्या क्या मुझे बग्स इसके अंदर मिले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्लैश लाइट की। तो फ्लैश लाइट से रिलेटेड यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर आप लोग JCam में यहाँ पे HDR ऑफ करके अगर कोई भी फोटो लेते हो फ्लैश ऑन के साथ, तो फ्लैश यहाँ पे काम नहीं करता। ये दोनों के ऊपर है, बैक फ्लैश के ऊपर ही और फ्रंट फ्लैश के ऊपर भी ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे इशू देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लैश लाइट की सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, तो ये मुझे स्पेसिफिकली मिला है यहाँ पे, अगर मेरे फोन की बैटरी 10% के नीचे रहती है स्टॉक कर्नल के ऊपर और मैं इसको अगर लॉक स्क्रीन से फ्लैश लाइट को स्टार्ट करता हूँ और फिर बाद में फोन को लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ्लैश लाइट अपने आप बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद, या फिर इमीडिएटली जैसे मैं पावर बटन दबाता हूँ। तो ये काफी ज्यादा वियर्ड लगा मुझे, काफी ज्यादा अजीब सा लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये बग है स्टॉक कर्नल के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल फ्लैश किया वो आई थिंक फिक्स दिख रहा था और ऐसी इशू मुझे वापस नहीं है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड इशू की, तो यहाँ पे माइक जो है वो कभी भी काम करना बंद कर देता है। सो ये इशू मुझे भी फेस होने के लिए मिला है। मैंने गूगल असिस्टेंट को यूज करने के लिए बहुत ट्राई किया था लेकिन गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा था। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि माइक जो है वो रिबूट करने के 2-3 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाता है। सो आई थिंक ये एक छोटा सा इशू है। फोर्थ चीज़ मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे ऐप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं यूजेबल होने के लिए, अगर आप लोग जेस्चर्स के साथ उनको यूज़ करते हो तो। अगर ये फिक्स हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी और ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे लोगों को। मैं ये कह सकता हूँ फिफ्थ प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से पता चल गई रहेगी, साउंड के साथ ही है। यहाँ पे साउंड जो है वो हेडफोन जैक से काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और सिक्स पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट कैमरा को स्टार्ट किया है फ्लैश लाइट ऑन के साथ और यहाँ पे फ्रंट कैमरा फ्लैश काम नहीं कर रहा, तो मुझे कंफर्म करना था, मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया फ्रंट कैमरा फ्लैश यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ इस रॉम को मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करने वाला। आई मीन ये वाला जो स्पेसिफिक अपडेट है ये मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आप लोगों को अपडेट करने के लिए। अगर आप लोग पहले से किसी पिक्सल एक्सपीरियंस बिल्ड के ऊपर हो और अगर आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है उसी के ऊपर रहो, ये अपडेट के अंदर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता। और मैं ये भी कह सकता हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ज़्यादा नया आप लोगों को मिलने वाला नहीं है नॉर्मल वर्जन के अंदर, क्योंकि आप लोगों को विदाउट कस्टमाइजेशन 1 GB की फाइल बार बार डाउनलोड करनी रहेगी जो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप लोग इस रॉम को ट्राई करो। यस, अगर आप लोगों को प्लस वर्जन का अपडेट मिलता है वैसे आ भी चुका है तो फिर आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। मैं अभी पिक्सल एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ तो फिर मैं दूसरी राउंड ट्राई करूँगा। मुझे बताना नीचे कमेंट्स के अंदर कि आप लोग इसको ट्राई करने वाले हो या फिर नहीं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता हूँ आप लोग नई वीडियो के अंदर एक नया रॉम रिव्यू या फिर एक नए GSI रिव्यू या फिर एक नए अपडेट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा सी यू, और जितने वीडियोस आने वाली हैं वो सब आएंगी अब ट्यूजडे को। तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहो, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।